पूर्ण राज्य को लेकर के 10 मार्च से 7 अप्रैल तक दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रैलियां आयोजित की थी। दूसरे चरण की शुरुआत हमने 10 अप्रैल से की थी। 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 35 लाख मतदाताओं से हमने 1-to-1 कैंपेन के लक्ष्य को पूरा किया। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया चली। अब आम आदमी पार्टी अपने तीसरे फेज को कैंपेन को लॉन्च कर रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 7 के 7 लोकसभा क्षेत्रों में रोड शो के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे, जिसमें जो रोड शो का शेड्यूल चार्ट है, 1 मई को चांदनी चौक लोकसभा में, मॉडल टाउन विधानसभा से ये रोड शो शुरू होगा और लोकसभा ये 4 बजे से शुरुआत होगी रोड शो की, जो लोकसभा के कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। 2 मई को पूर्वी दिल्ली ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में त्रिलोकपुरी विधानसभा से रोड शो शुरू होगा, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। 3 मई को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में सोनिया बिहार करावल नगर से रोड शो शुरू होगा, जो नॉर्थ ईस्ट की विधानसभाओं को कवर करेगा। 4 मई को साउथ दिल्ली लोकसभा में रोड शो होगा, ये अंबेडकर नगर विधानसभा से शुरू होगा। 5 मई को वेस्ट दिल्ली लोकसभा में रोड शो होगा, जो द्वारका विधानसभा से जिसकी शुरुआत होगी। 6 मई को नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में रोड शो होगा, जिसकी शुरुआत मुंडका विधानसभा क्षेत्र से होगी। 7 मई को अरविंद जी की सभा हरियाणा में रहेगी। 8 मई को फिर नई दिल्ली लोकसभा में रोड शो होगा, जो मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगा। तो ये 1 से लेकर के और 8 तारीख तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो होगा, जो उस लोकसभा के कई विधानसभाओं को कवर करेगा। इसके अलावा मॉर्निंग यात्रा पर भी अरविंद जी निकलेंगे। रोड शो के दौरान कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो छूट रही हैं, तो उन विधानसभाओं में उनकी मॉर्निंग यात्रा होगी और वो शेड्यूल आपको हम बाद में दे देंगे। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के कैंपेन को और तेज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स और मिनिस्टर को लोकसभा वाइज हम ड्यूटी लगा रहे हैं, जो इस कैंपेन के इंचार्ज होंगे और जो वहां इसको और स्पीड अप करेंगे, वहां चुनाव की योजनाओं को और तेज करेंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में गोपाल राय, वेस्ट दिल्ली में संजय सिंह, ईस्ट दिल्ली में मनीष सिसोदिया, चांदनी चौक सत्येंद्र जैन और इमरान हुसैन, नई दिल्ली लोकसभा के लिए एनडी गुप्ता जी, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी और साउथ दिल्ली लोकसभा में कैलाश गहलोत जी, ये हमारे सेंट्रल टीम की तरफ से इंचार्ज होंगे कैंपेन के, जो वहां पर अब इलेक्शन तक मॉनिटरिंग का काम करेंगे। पूरे कैंपेन को ये जो सेंट्रलाइज रोड शो है, इसके साथ साथ अब हम
हर विधानसभा के अंदर झाड़ू चलाओ पूर्ण राज्य बनाओ यात्रा आज शाम से लॉन्च कर रहे हैं। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में दिल्ली के एमएलए, जहां एमएलए नहीं है आम आदमी पार्टी के, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में झाड़ू चलाओ पूर्ण राज्य बनाओ ये यात्रा आज से शुरू हो रही है, जो 8 तारीख तक निरंतर सभी विधानसभाओं में 70 के 70 जारी रहेगी। इसके साथ साथ 5 मई से हम 272 वार्ड में इस यात्रा को लॉन्च करेंगे। 272 वार्डों में जो यात्रा होगी उसका नेतृत्व हमारे काउंसलर, एल्डरमैन या वार्ड अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में ये 5 मई से जो है ये यात्रा लॉन्च हम करेंगे। इस पूरे कैंपेन में जो हमने जो पूरा डिजाइन किया है रोड शो के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी के उपस्थिति और उनका संवाद स्थापित करवाना, दूसरा जो हमने हर कैंपेन के जो सीनियर लीडर और मिनिस्टर्स के इंचार्ज बनाए उनका वहां पर जहां जहां जरूरत है उनको नीचे तक उतारना, तीसरा सभी एमएलए को ऑफ फील्ड में हम उतारेंगे जो निरंतर पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, और 5 मई से चौथे जो हमारी पूरी टीम है वार्ड अध्यक्ष और काउंसलर वो फील्ड में उतरेंगे और वो 8 तारीख तक जो है ये पूरा चरण पूरा होगा, और 8 तारीख के बाद फिर फाइनल कैंपेन हम लॉन्च करेंगे जो 9 और 10 तारीख का होगा, उसको उसकी डिटेल हम आपको बाद में वर्कआउट बताएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने बिजली के क्षेत्र के अंदर जो कार्य किए उसके बारे में आप लोगों को पता है। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने जनता से वादा किया था कि बिजली के रेट बहुत कम है, उसको कम किया जाएगा, तब लोगों को इससे विश्वास नहीं हुआ था और हमारी सरकार बनी तो तुरंत बिजली के रेटों को आधा किया गया, और तब से लेकर उससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि बिजली के रेट सिर्फ आधे किए गए, सिर्फ आधे नहीं किए गए, पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर बिजली के रेट नहीं बढ़ने लगे। उससे पहले का ट्रेंड अगर आप देखेंगे उससे पिछले हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, अभी मैं आपको डाटा भी शेयर करूंगा, उससे पिछले 5 साल में अगर देखें तो लगभग 50% से लेकर 100% तक रेट बढ़े थे बिजली के 5 साल के अंदर। अब बाद वाले 5 साल में रेट कम हो गए हैं, बढ़े नहीं हैं। आज दिल्ली के अंदर या 400 यूनिट का जो बिजली का बिल आता है 1170 रुपये है, वही बिल बॉम्बे के अंदर 4000 रुपये आता है। हम मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, वहाँ से काफ़ी बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ पे बिजली के दिल्ली से कम होने की रेट वहाँ पर 3000 रुपये का बिल आता है। तो दिल्ली के अंदर जो बिजली के रेट हैं इस टाइम देश के अंदर सबसे ज़्यादा कम रेट किए गए हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बिजली के रेट कम करेंगे तो काफ़ी बीजेपी वाले खासतौर से और कांग्रेस वाले लोग कहा करते थे कि भाई रेट कुछ भी हो जाए बिजली आनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली को एक ये गांव जैसा बना देंगे बिजली आएगी नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिजली तो अभी भी नहीं आती क्योंकि जाती नहीं है, तो जाती नहीं तो आएगी कहाँ से, 24 घंटे बिजली यहीं रहती है, ना कहीं आती ना कहीं जाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर जो बिजली की उपलब्धता है हिस्टोरिकली आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। उससे पहले दिल्ली के अंदर कटौतियाँ हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े कटिया लगा करते थे, तो हमने करके दिखाया। साथ ही साथ आप याद करके देखिएगा 5-6 साल पहले या 4-5 साल पहले तक भी किसी भी मार्केट के अंदर शाम के टाइम आप जाते थे तो वहाँ पर लाल रंग के छोटे छोटे जनरेटर हर दुकान के सामने रखे होते थे, हर दुकान के सामने, और वो होंडा के शायद तब होते थे, वो लाल लाल करके घुड़ घुड़ करते रहते थे, इतना धुआं घर मुँह पर रुमाल लिख के जलाना पड़ता था। आज वो सीन ही खत्म हो गया, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको इस तरह का सीन नहीं मिलेगा, जनरेटर खत्म हो गए। और दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के अंदर जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये रिसर्च पेपर छपा है उसमें बताया गया कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम होने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा कि दिल्ली के जनरेटर्स का काम कम हो गया, खत्म हो गया, बिजली आने लगी है जनरेटर चलते नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जो काम करके दिखाया उसके बारे में बाकी पार्टियों को भी और सरकारों को भी आश्चर्य होता है ऐसा क्यों किया, उसका कारण ये सिंपल सा यही है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली का रेट 1 रुपये यूनिट है,
और 2013-14 के अंदर ये 3.90 रुपये था, 201 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक 2.50 रुपये यूनिट है, जो कि 2013-14 के अंदर 5.80 रुपये था, मतलब आपका 60% कम, 70% कम हो गया। 401 यूनिट से लेकर 800 यूनिट तक का रेट आज 6.80 रुपये है। आज से 5-6 साल पहले 2013-14 के अंदर 6.50 रुपये था, लगभग सेम है। और 800 यूनिट से ज़्यादा 2013-14 में भी 7 रुपये था, आज भी 7 रुपये। तो मतलब ये दिल्ली के अंदर एक ऐसा कार्य करके दिखाया दिल्ली सरकार ने। मैं आपको बताना चाहूँ, उसके पहले अगर 5 साल देखें, उससे पहले 5 साल में जैसे 200 यूनिट तक का रेट था 2.45 रुपये, और 200 से 400 तक था 2.45 रुपये। तो 2.45 रुपये वाला रेट 3.90 रुपये और 5.80 रुपये में दोगुने से भी ज़्यादा हुआ। पहले 5 साल में, हमारी सरकार बनने से पहले 5 साल में बिजली के रेट 2 गुने तक बढ़े, और हमारी सरकार बनने के बाद या तो सेम रहे या आधे हुए। तो ये हमने ऐसा करके दिखाया है, और मैं चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो हुआ कि अब मैं पूरे देश की सरकार इसको कॉपी करें। अभी तक तो ट्रेंड ये है कि जहाँ भी कोई नई सरकार बनती है तो सबसे पहला काम वो बिजली के रेट बढ़ाने का करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको, यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ाए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी तो सबसे पहले उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ाए थे। एक अकेली सरकार है जिसने सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की